के सभी मेरे साथियों को राजरत्न मेडिकल की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धा ने इस धम्मा के 17वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि अष्टांगिक मार्ग में वो 8 अंग 8 घटक कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने देखा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बुद्ध और उनके धम्म के जो पाथ है, जो मार्ग है, ये 3 मार्ग बुद्ध ने अपने धम्म में बताए हैं। पहला मार्ग है पाथ ऑफ प्यूरिटी, विशुद्धता का मार्ग, निर्मलता का पथ। सेकंड जो पाथ बताया, मार्ग बताया, वो पाथ ऑफ राइटियसनेस, सदाचरण का मार्ग। और तीसरा मार्ग जो बताया है, ये पाथ ऑफ वर्च्यू, शील या नैतिकता का मार्ग। हम लोगों ने पाथ ऑफ प्यूरिटी देखा, विशुद्धता निर्मलता का पथ देखा। उसके बाद हम लोगों ने सदाचरण का मार्ग देखा। इसमें क्योंकि अभी हम लोग 10 पारमिताओं के ऊपर बात करने वाले हैं, बुद्ध का धम्म ये इनके अलावा और कुछ नहीं है। मैं फिर से आपको ये सारी चीज़ें एक साथ बताना चाहता हूँ। पहला विशुद्धता या निर्मलता का जो पथ है, उसमें बुद्ध ने बताया है कि किसी भी इंसान को अगर अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को जीवन के सिद्धांत बनाने चाहिए। तो पहला उसका भाग है, पहला सिद्धांत है कि किसी की भी हत्या नहीं करना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, यह पहला सिद्धांत बताता है। दूसरा सिद्धांत बताता है कि किसी और की चीज़ को, वस्तु को अपनी चीज़ नहीं बताना, चोरी नहीं करना, उसके ऊपर दावा नहीं करना, तो ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है काम भोग व्यभिचार से दूर रहना, ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है असत्य नहीं बोलना, जो भी बोलना है वो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और पांचवा सिद्धांत है मादक पदार्थ या नशीली पदार्थ का कभी सेवन नहीं करना है। तो ये विशुद्धता के मार्ग के 5 सिद्धांत बुद्ध ने बताए। उसके बाद सदाचरण मार्ग आता है। सदाचरण मार्ग पाथ ऑफ राइटियसनेस के 8 घटक है, 8 एलिमेंट्स है। इन घटकों को बुद्ध ने डीपली समझाया है, जिसको हम लोग बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। पाथ ऑफ प्यूरिटी को हम पंचशील के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 घटकों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण घटक है सम्यक दृष्टि, सम्मादिट्ठि। सम्मादिट्ठि के लिए बुद्ध ने बताया कि सम्मादिट्ठि क्या होता है, अविद्या का नाश करना, यही सम्मादिट्ठि है। जो अविद्या है उसको खत्म करना, किसी भी मिथ्या आचरण पे विश्वास नहीं करना, वेदों में, शास्त्रों में, कर्मकांड में, यज्ञ में, बलि में विश्वास नहीं रखना। और सबसे जरूरी बात है सम्यक दृष्टि के लिए कि अपने माइंड को, अपने मन को और अपने विचारों को मुक्त रखना, स्वतंत्र रखना, तो ये सम्मादिट्ठि बताता है। उसके बाद आता है सम्मा संकल्पो, यानी सम्यक संकल्प। हर एक इंसान के जीवन में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। ये सम्यक संकल्प बताता है कि आपकी महत्वाकांक्षा और आकांक्षा ये उच्च कोटि की होनी चाहिए, निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए, और वो लोगों में सराहनीय होनी चाहिए, पूजनीय होनी चाहिए। इस तरह की महत्वाकांक्षा, इस तरह के आकांक्षा किसी भी इंसान के जीवन में होने चाहिए। उसके बाद आता है सम्यक वाचा, सम्मा वाचो। तो ये सम्यक वाचा कहता है कि हम लोगों को जो भी कुछ बोलना है वो सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। किसी के भी दबाव में आकर किसी को भी खुश करने के लिए हमको सम्यक वाचा का इस्तेमाल नहीं करना है। मूर्खता भरी और फुलिश टॉक से हम लोगों को बचना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है, यह सम्यक वाचा कहता है। उसके बाद आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका कहता है कि हम लोगों को, हर एक को अपनी जीविका कमानी ही होती है, और इस जीविका कमाने के लिए कुछ मार्ग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हम लोगों को अपनी जीविका कमाने के लिए ऐसे मार्ग का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी और को दुख ना पहुंचे, किसी और के अधिकारों का हनन ना हो, किसी और के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो ये है सम्यक आजीविका। सम्यक कर्मांत, अपने कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो कार्य करने पर किसी और के अधिकारों का हनन ना हो, किसी और को दुख ना हो, तो ये है सम्यक कर्मांत। उसके बाद सम्यक कर्मांत के बाद आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के बाद सम्यक कर्मांत, और सम्यक कर्मांत के बाद आता है
सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के लिए बुद्ध ने बताया है कि जो सम्यक दृष्टि हम लोगों को प्राप्त होती है, ये सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद हमारे मन में फिर से इस तरह की भावना ना पहुंचे, ये कर्मकांड, ये सारी अविद्या हमारे दिमाग में ना आए, इसलिए हम लोगों को हमेशा एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारे माइंड पर एक हमेशा कंट्रोल, एक वॉच रखना चाहिए कि इस तरह के बुरे ख्याल हमारे में प्रवेश ना करें। सम्यक कर्मांत के चार मार्ग है, उसके अंदर और चार तरह के प्रैक्टिसेस हैं कि पहली की ऑलरेडी जो नए सिरे से अविद्या हमारे में प्रवेश कर रही है तो उसको हमको रोकना है, ऑलरेडी जो अविद्या हमारे में है उसको दबाना है, उसको खत्म करना है, और जो अष्टांगिक मार्ग को सफल बनाने में जो जो चीजें लगती है उसको हम लोगों को निर्माण करना है, अपने मन में निर्माण करना है, और जो जो अष्टांगिक मार्ग के पाने में जो जो सहायता होता है उसको हम लोगों को बढ़ावा देना है। तो ये सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम के बाद आता है कि सम्मासती है। सम्मासती का मतलब है कि माइंडफुलनेस, हमारा मन हमेशा जागरूक रखना चाहिए, विचारों को जागरूक रखना चाहिए, इस तरह से अपने मन के ऊपर हम लोगों को कंट्रोल कंटिन्यूसली उसके ऊपर वॉच रखनी है, कोई बुरे ख्याल हमारे मन में ना प्रवेश करे, तो ये भी यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद आता है सम्मा समाधि। सम्मा समाधि के लिए बुद्ध ने बताया है कि हमारे मन में हमेशा जो बुराई है वो घर करती रहती है, तो सम्मा समाधि, सम्यक दिट्ठि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, कर्मांत, आजीवा, व्यायाम और सम्मा सती को नष्ट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हमारे मन में बुरे ख्याल प्रवेश करते रहते हैं, जैसे लोभ हो, क्रोध हो, द्वेष हो, संशय हो, अनिर्णय हो, तो ये सारे जो बाधाएं हैं ये सारे अष्टांगिक मार्ग को खत्म करने के लिए हमारे में प्रवेश करती रहती है, तो हम लोगों को समाधि मार्ग का अवलंब करना चाहिए, और सिर्फ समाधि नहीं तो सम्यक समाधि। समाधि से ये सारी बाधाओं को हम नीचे ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सम्यक समाधि से हमेशा के लिए ये सारे लोभ, क्रोध, द्वेष, मत्सर, अनिर्णय, संशय, इसको हमेशा के लिए सम्यक समाधि खत्म करती है। समाधि एक नकारात्मक चीज है, वहीं पर सम्यक समाधि एक सकारात्मक चीज है। तो ये हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग देखे। इसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे ये है बुद्ध के धम्म का तीसरा पाद, तीसरा मार्ग, जिसे हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ वर्च्यू, नैतिकता का मार्ग, शील का मार्ग। इस नैतिकता के मार्ग के 10 अंग है, जैसे पाथ ऑफ राइटियसनेस, पाथ ऑफ यानी सदाचरण के मार्ग में जैसे 8 अंग थे, वैसे ही इस मार्ग के 10 अंग है, और इसका सबसे पहला अंग है शील। मैं आपको फिर से एक बार वापस कंटिन्यूसली बता देता हूं कि 10 पारमिता इसको कहते हैं। 10 पारमिता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 10 पारमिताएं हैं उसमें की पहली पारमिता है शील, दूसरी पारमिता है दान, तीसरी पारमिता है उपेक्षा, चौथी पारमिका है निखम्मा, पांचवी है वीर्य, छठी है खांति, खांति को शांति भी कहते हैं, सातवीं है सच, और आठवीं है आदिठ्ठाना, और नौवीं है करुणा, और दसवीं है मैत्री। शील, दान, उपेक्षा, निखम्म, वीर्य, खांति, सच, अधिष्ठाना, करुणा और मैत्री, ये है 10 पारमिता। अब ये 10 पारमिता क्या है ये हम लोग देखते हैं। बुद्ध ने इन 10 पारमिताओं को समझाते हुए कहा कि जो पहली पारमिता है शील, शील का मतलब है किसी के भी जीवन में नैतिकता, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का मतलब है कि हम लोगों को कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, ये हमेशा हमारे मन में ये जागृति निर्माण रहनी चाहिए कि हमको कोई बुरा कर्म नहीं करना है। हमारा मन इस तरह से हम लोगों को ट्रेन करना है कि वो सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचे, अच्छाई के लिए ही वो काम करे, बुरा कोई भी कर्म हो, अकुशल कर्म हो, वो कर्म करने से हमारे मन में
एक शर्मिंदा पैदा हो, शर्म उसको पैदा हो, और बुरे कर्म करने के लिए हमारे मन में हमेशा एक डर बैठा हो, एक डर बैठा हो कि अगर मैं कोई बुरा कर्म करता हूं तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। ये शील मार्ग बताता है कि बुरे कर्म के लिए हमें हमेशा बचना चाहिए, उससे डरना चाहिए, इसके परिणाम गलत होंगे। ये भावना, ये आइडियोलॉजी हमारे मन में पहले से बना के रखनी चाहिए, ये बताता है शील मार्ग। उसके बाद आता है नेखम। नेखम कहता है कि जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स है, जितने भी सांसारिक सुख है, उसका हमको त्याग करना है। सांसारिक सुखों का, काम भोगों का ये त्याग हम लोगों को करना है। उसके बाद आता है दान पारमिता। दान पारमिता कहता है कि हम लोगों को जब हम लोग दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन, किसी भी तरह का रिटर्न्स, कोई भी उनसे हम लोगों को कुछ चाहिए, ऐसी भावना न रखते हुए हमको दान करना है। और दान भी कौन सा दान, कि सिर्फ पैसे और संपत्ति का दान नहीं, तो अपने शरीर का भी, अपने खून का भी, और जरूरत पड़े तो अपनी जान का भी दान किसी और के भलाई के लिए हमको करना है। तो ये दान पारमिता कहता है सिर्फ संपत्ति नहीं, सिर्फ संपत्ति नहीं, ब्लड, लिम्स एंड इवन वंस लाइफ फॉर द गुड ऑफ अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। किसी भी तरह के रिटर्न का भावना रखते हुए, इच्छा रखते हुए, इस तरह का दान जो दूसरों के जीवन में भलाई लाए, दूसरों के जीवन के के लिए अच्छाई लाए, इस तरह का दान हम लोगों को करना है। उसके बाद वीर्य। वीर्य पारमिता कहता है कि हम लोगों के जो प्रयत्न होने चाहिए, ये सम्यक प्रयत्न होने चाहिए, जो भी हम लोग मन में ठान ले उसको पूरा किए बगैर अपने काम को नहीं छोड़ना है। कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी अड़चनियां हैं, ये वीर्य पारमिता हम लोगों को सिखाता है, जब तक मैंने ठान लिया हुआ काम पूरा नहीं करता, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, ये कहता है दान पारमिता। दान पारमिता के बाद आता है शांति पारमिता। शांति पारमिता कहता है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता यानी जो नफरत है उसको नफरत से नहीं दूर कर सकते हो, उससे उसको हम लोगों को छोड़ना होगा, उसको क्षमा करना होगा। और नफरत से नफरत नहीं मिटाई जा सकती, नफरत को सिर्फ प्यार से ही मिटाया जा सकता है, और ये शांति पारमिता हम लोगों को सिखाती है। सच पारमिता कहता है कि हम लोगों को कभी झूठ नहीं कहना है, और अपनी जो वाणी है ये हमेशा सत्य रखनी है, और सत्य के अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं कहना है। और उसके बाद आता है आदित्य ठाना पारमिता। आदित्य ठाना पारमिता यानी दृढ़ निश्चय। जो भी हम लोगों ने करने की ठानी है वो दृढ़ निश्चय उसका होना चाहिए। आज ये काम हाथ में लिया वो छोड़ दिया, दूसरा काम हाथ में लिया वो छोड़ दिया, इस तरह का बर्ताव हमारे मन को नहीं करना चाहिए। हमारे मन को जो काम हमने ठाना है वही काम डटकर हमको करना है, उस काम का दृढ़ निश्चय हम लोगों को अपने जीवन में करना है, और जो ध्येय और उद्देश्य हम लोगों ने बनाया उसको दृढ़ निश्चय लेकर हम लोगों को पाना है। उसके बाद आता है करुणा। करुणा कहता है कि प्रेम भावना हमारे में होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए प्रेम भावना होनी चाहिए, मनुष्यों के लिए प्रेम भावना हमारे मन में होनी चाहिए, तो इस तरह की करुणा पारमिता कहता है। और करुणा पारमिता के आगे आती है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता कहता है कि सिर्फ प्रेम भावना हम लोगों को इंसानों तक के लिए सीमित नहीं रखनी है, ये जानवरों के लिए भी हम लोगों के मन में मैत्री भावना होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। और सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी नहीं, दुश्मनों के लिए भी हमारे मन में बंधुता होनी चाहिए, बंधुभाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, इस तरह की ये पारमिता मैत्री पारमिता कहती है। उपेक्षा जो पारमिता है, उपेक्षा पारमिता कहता है ये उदासीनता से परे है, और बिना उदासीनता के अपनाए हुए ये सांसारिक चीजों में से अलिप्त खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। उपेक्षा पारमिता इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, चित्त का इस तरह का वो स्टेज है जहां पर उदासीनता को परे रखते हुए हम सांसारिक चीजों से अनासक्त हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं। उस तरह का उपेक्षा पारमिता हम लोगों को कहता है कि संसार में रहते हुए ही किसी भी चीज से हम लोगों को लगाव नहीं रखनी है,
लाइक और डिसलाइक, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। हमारे जीवन में जो भावना होती है लाइक और डिसलाइक की, ये खत्म हो जाती है और ये हम लोग उपेक्षा पारमिता से सीखते हैं। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी इसका फल मिले, हम बिना फल के अपेक्षा करते हुए अपना काम करते जाते हैं। किसी ने अगर हमारी भलाई, अच्छे शब्द हम लोगों को बोल दिए तो उससे प्रभावित होकर हम खुश नहीं होते, और किसी ने हमारी निंदा भी कर दी तो उससे प्रभावित होकर हम दुखी नहीं होते। ऐसे मन की स्थिति में हम खुद को लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं उपेक्षा पारमिता। ये सारे पारमिता बुद्ध ने कहे कि अपने अपने जीवन में हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस, ये सारे पारमिताओं का प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग एक अच्छे जीवन में, और इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जो चित्त की अवस्था है, ये पूर्णत्व को प्राप्त करने की ये अवस्था हम लोगों को लेकर जाती है। और इसलिए इन 10 मार्गों को, 10 अंगों को ये 10 पारमिता कहा गया है। तो ये है बुद्ध के धम्म के 3 मार्ग, पाथ ऑफ वर्च्यू, पाथ ऑफ प्यूरिटी यानी विशुद्धता का मार्ग, निर्मलता का पथ, पाथ ऑफ राइटियसनेस यानी सदाचरण का मार्ग, और पाथ ऑफ वर्च्यू यानी शील मार्ग। तो ये पंचशील हमने देखा, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, ये है बुद्ध की धम्म की नींव जिसके ऊपर पूरा विश्व आज ये काम कर रहा है। आगे और बुद्ध का ये जो पहला प्रवचन है ये और चलेगा, समय की पाबंदी को देखते हुए कल हम बुद्ध ने फिर इन 5 परिव्राजकों को ये जो धम्म समझाया, उसके बाद इन 5 परिव्राजकों में क्या बदल या क्या बदलाव उनमें महसूस हुआ, इन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से और क्या क्या पूछा, ये हम कल के एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।